हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये थोड़ी स्पेशल है क्योंकि वैसे तो मेरा चैनल पे जो कंटेंट होता है वो पंजाबी में होता है, लेकिन मैं उर्दू में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में एक इशू बहुत चल रहा है। एक लड़की है, 15 साल की एक बच्ची है जिसको गैंग रैप किया गया है। सोशल मीडिया पर तो ये बात काफ़ी दिनों से जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र में गुजरी। मैं सोशल मीडिया पर शायद कम एक्टिव हूँ या शायद उस तरह एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में शायद नहीं रहता इसलिए। लेकिन अभी जब वकार ज़का ने इस पर वीडियोज़ बनाई तो मुझे इस वाक्य के बारे में पता चला। तो सबसे पहले तो मैं वकार ज़का का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत दलेरी वाला काम किया, क्योंकि क्योंकि इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान में, जहां असर और रसूख वाले लोग हैं, आपकी जान को कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये मामला उठाया, सिर्फ उठाया नहीं बल्कि वो इसके पीछे पड़े हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को एक इंतहा तक पहुंचाए और अरूज को इंसाफ मुहैया किया जाए। जहां तक मेरे लिए मैं ये बात आई है कि अरूज की मां ने, जो उनकी मदर है, उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से वकार सका ने वीडियो देखी और उनका ध्यान उस तरफ किया। बच्ची 15 साल की है, 8 क्लास में पढ़ती है, उसका रेप हुआ है, रजा भुक्ति ने किया है, पुलिस वालों ने यार गलत कर दी। अब जाहिर है अरूज की माँ पे ये इल्जाम लग रहा है या उनकी वीडियो सामने आई है कि उनका उस बुकटी या जो भी वो रजा बुकटी या जो भी उनका नाम है उसके साथ कुछ तलकात थे, उनकी कुछ वीडियो सामने आई हैं, और जिसकी वजह से काफी लोग फिर कह रहे हैं कि हाँ नहीं, ये तो बस शायद ऐसा ही होना चाहिए था, जैसी माँ वैसी बेटी, समथिंग लाइक दैट। और ये इतनी घटिया बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जो कहने वाले हैं उनका जमीर कहाँ है और उनकी सोच क्या है। जहां तक ये बात है कि उसकी माँ ने किया किया गलत है सही है, उसके बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि उसकी माँ की अपनी जिंदगी में जो मर्जी कह रहे हैं। जब तक आप अपनी मर्जी से कोई कोई बंदा काम करता है उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब ये साबित भी शायद हो चुका है जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई हैं, उस हिसाब से कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई, उस बच्ची के साथ इंतहाई जुल्म जालमाना तरीके से ये काम किया गया, और सिर्फ एक बंदा नहीं था, 3-4 बंदे थे शायद, या कुछ इस तरह, मतलब गैंग रेप है। तो ये बहुत ही ना दिल को दहला देने वाली बात है, और मुझे नहीं पता कि इसका क्या जल निकलेगा। मैं कोई असर और रसूख वाला बंदा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जिसके कहने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो प्लीज सोशल मीडिया पे ये बात करें, क्योंकि बात करने से एटलीस्ट थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है और थोड़ा प्रेशर भी बनता है। आपने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से लोग अपनी राय तब्दील करने में मजबूर हुए, और लोगों को इंसाफ भी मिला, लोगों को उनका हक भी मिला। तो सबसे पहले तो आप प्लीज प्लीज जहां भी इस मामले को उठा सकते हो सोशल मीडिया पे, तो प्लीज हैशटैग इस्तेमाल करें जस्टिस फॉर अरूज। और इवन अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं वो मेरे इंडियन ब्रदर्स हैं या मेरे पंजाबी इंडियन ब्रदर्स हैं या जो भी आप देख रहे हैं, आप भी अपनी आवाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो किसी एक मुल्क में, एक मुल्क के काबू में नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मुल्क पे, एक मुल्क की ज्यादादारी है। अगर आप भी हैशटैग इस्तेमाल करेंगे तो उसका उतना ही असर होगा शायद। आप में से जो लोग ताकत रखते हैं, जो लोग असर रखते हैं माशरे पर किसी भी तरह और कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज 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 कुछ कीजिए। और जो लोग यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो किसी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहे, तो मैं देखना कि कुछ हमारे यूट्यूबर्स हजरात ऐसे हैं जो उनको नाम लेके उनको शेम कर रहे हैं और उनको बातें सुना रहे हैं कि वो ये काम नहीं कर रहे, और इसको कंपेयर कर रहे हैं फरोगी वाला जो पंच वाला या जो भी बात हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी गलत बात हो जाती है। ऐसे है कि जैसे हमारे वालदे हमें कहते रहते थे कि देखो फलां का बच्चा क्या पढ़ गया, उसने ये किया, तो ऐसी बातों का कुछ असर नहीं होता, उल्टा बल्कि ये ताने की तरह बातें लगती हैं, और भी बंदा वो काम नहीं करता जो आप कह रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोज बनाए, तो प्लीज आप उनमें से बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, तो आप पर्सनली उनको मैसेज करें, उनको कहें, वो अलग बात है फिर वो बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन पर्सनली मैसेज करें उनको, इस तरह पब्लिक में शेम ना करें। हर किसी की अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, तो प्लीज ऐसा ना करें। और जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लीज इस्तेमाल करें, और अरूज को और अरूज जैसी जितनी भी बेटियां, जितनी भी बहनें, जितनी भी हमारे माशरे की बेटियां ना, उनको इंसाफ मुहैया करने में मदद करें। और प्लीज 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 अपने जो जितने नौजवान हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी मर्द हैं, उनको भी बताएं कि क्या सही है क्या गलत, ना का मतलब हमेशा ना होता है, और जबरदस्ती किसी चीज में भी जायज नहीं है, और इज्जत हर एक की जरूर रखनी चाहिए, हर एक की इज्जत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो
या मैं अब ये कहना चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।